हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं अभी गांव गई थी तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अनुरुद्धाचार्य जो गुरुजी हैं उनका आश्रम कहां पर है। आप वृंदावन में रहती हो, आपको तो पता ही होगा। और वृंदावन में भी बहुत सारे परदेसी पूछते हैं, जब मैं मिलती हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं। कोई गलत रास्ता बता देता है, उनका आश्रम बताता नहीं है, कोई कहता है कहीं पर है, कोई कहता है कहीं पर है। तो मैं आप लोगों को उनके आश्रम पे आज लेके चलती हूँ और बिल्कुल सही सही रास्ता बताऊंगी। बस मेरी वीडियो पे बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये लिखा है मेरो वृंदावन, यहाँ से वृंदावन के लिए स्टार्ट होते हैं जाना। यहाँ से हम वृंदावन के लिए जाएंगे और फिर वैष्णो देवी का मंदिर पड़ता है, फिर कमल मंदिर, फिर प्रेम मंदिर, उसके बाद पड़ता है अनुरुद्धाचार्य जी का आश्रम जो कि परिक्रमा मार्ग में, और मैं दिखाऊँगी आप लोगों को जाके पूरा। बैठ गए ऑटो में और जाके दिखाएंगे आप लोगों को अनुरुद्धाचार्य जी का आश्रम कैसा है। और फ्रेंड्स, अब हम जाने हैं अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम के लिए और दिखाएंगे। सबसे पहले पड़ेगा वैष्णो भैया का मंदिर, वो दिखाएंगे हम आप लोगों को। बस हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम आ चुके हैं वैष्णो देवी के मंदिर के पास और दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये है वैष्णो देवी मंदिर का गेट, ये वैष्णो देवी मंदिर का गेट है। और वो है माता रानी जो दिख रही हैं आप लोगों को वीडियो में। और अब पड़ेगा कमल मंदिर, वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। यहाँ से कमल मंदिर आधा किलोमीटर दूर है, बस हम लोग पैदल भी जा सकते हैं कमल मंदिर के लिए। और अब हम लेकर चलते हैं आप लोगों को कमल मंदिर की तरफ। देवी के मंदिर के बाद में ये पड़ता है कमल मंदिर। जब हम चट्टीगढ़ से जाते हैं तो पहले पड़ता है वैष्णो देवी का मंदिर, फिर ये पड़ता है कमल मंदिर। देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखा रही हूँ, ये कमल मंदिर है। और अब पड़ेगा प्रेम मंदिर, उसके बाद परिक्रमा मार्ग आएगा, उसी में है अनुरुद्धाचार्य गुरु जी का आश्रम। मैं वहाँ पर भी जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। चलते हैं प्रेम मंदिर के लिए और दिखाते हैं आप लोगों को जाके प्रेम मंदिर भी। अब हम प्रेम मंदिर के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स और दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है प्रेम मंदिर। स्वागत करता है। अब हम प्रेम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। प्रेम समाज के प्रेम मंदिर पे और दिखाएंगे आप लोगों को प्रेम मंदिर। बाहर से ही दिखाएंगे क्योंकि अभी मैं अनुरुद्धाचार्य जी गुरु जी उनके आश्रम पे जा रही हूँ, तो मैं बाहर से ही दिखा दूंगी। पहले पड़ता है वैष्णो देवी का मंदिर, फिर कमल मंदिर, फिर पड़ता है प्रेम मंदिर, उसके बाद है परिक्रमा मार्ग, उसी में उनका आश्रम जिसका नाम है गौरी गोपाल आश्रम। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को चल के। ये प्रेम मंदिर है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद पड़ेगा परिक्रमा मार्ग, उसके बाद है उसी परिक्रमा मार्ग में उनका आश्रम है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। चलो चलते हैं परिक्रमा मार्ग के लिए और दिखाते हैं हम उनको जाके उनका आश्रम, कहाँ उनकी रसोई चलती है, कहाँ उनकी भागवत होती है, वो सब दिखाएंगे आप लोगों को। और फ्रेंड्स, हम परिक्रमा मार्ग के पास पहुँचने वाले हैं और ये तो परिक्रमा लगाने जा रही हैं और मैं जा रही हूँ उनका आश्रम दिखाने। ये परिक्रमा लगाएंगी और मैं दिखाऊंगी कैसा है उनका आश्रम। बस हमारी वीडियो पे बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना। फ्रेंड्स, प्रेम मंदिर से थोड़ा आगे चल के पुलिस चौकी पड़ती है। ये देखो फ्रेंड्स, मैं परिक्रमा मार्ग में जा रही हूँ। कितने सारे लोग हैं ये परिक्रमा लगा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग वीडियो में। ये सारे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं पहुंचने वाली हूं गुरुजी के आश्रम के पास और दिखाऊंगी आप लोगों को पूरा जाके कैसा क्या है। ये परिक्रमा लगा रहे हैं सारे लोग क्योंकि परिक्रमा मार्ग में ही है उनका आश्रम। और देखो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूं गौरी गोपाल आश्रम, देख सकते हो आप लोग। अनुरुद्धाचार्य जी गुरु जी हैं, अनुरुद्धाचार्य गुरु जी गौरी गोपाल आश्रम। और ये गेट फ़िलहाल अभी बंद है क्योंकि मैं आई हूँ 6 बजे और ये 7 बजे खुलेगा लाइव, उनका 7 बजे चलेगा जो रात में लाइव आता है वो वाला। और देख सकते हो आप लोग, ये है उनका आश्रम। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अनुरुद्धाचार्य जी की कहाँ पे आरती होती है उनके, कहाँ भगवान जी हैं, कहाँ पर रसोई घर है।
हरी गोपाल रसोई यहाँ पे चलती है, देख सकते हो आप। इनका 4 मंजिल फ्लैट है, उसमें से फ्रेंड्स पहले दूसरे पे माताएं रहती हैं और नीचे ये रसोई चलती है गौरी गोपाल, देख सकते हो आप लोग। बहुत सुविधा है, ये रूम है जहाँ पर विद्यार्थी लोग बैठ के खाना खाते हैं, वो रूम है ये, और ये है उनकी रसोई। देखो फ्रेंड्स यहाँ लिखा है उतना ही लें थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। भागवत होती है उनकी इस हॉल में, और फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं आश्रम से घर वापस। फ्रेंड्स वृंदावन में ये बस चल गई है, न्यू ऑटो बंद हो गए हैं, ये न्यू बस चली है, 11 रुपए लेती है बस, ओनली 11 रुपए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।